subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. शिंदे वो रेडी है साहब। नाम पूजा। पूरा नाम पूजा हर्षवर्धन देसाई। अब जैसे नाम पूरा बताया वैसे ही कहानी भी पूरी बताइए। सिर्फ पूजा नहीं पूरी कहानी। पूजा हर्षवर्धन देसाई। वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी थे। अगर उस दिन वो ज्वेलरी की दुकान में नहीं जाते तो आज ये सब नहीं होता। ओए होए। देखो जी वो। हाय हाय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक काम कर, पोल डांस करके दिखा। हैं? मैम करो सर। बट वही खुतिया, जब ये ज्वेलरी की शॉप है तो ज्वेलरी दिखाएगा ना। ज्वेलरी दिखा। अच्छा आप लोग किस तरह की ज्वेलरी देखना पसंद करेंगे? फिर वही बात, मुझे तो पूरी दुकान पसंद है। पूरी दुकान दिखा देगा। सर आप कुछ पर्टिकुलर बताएंगे सर? प्लीज इफ यू डोंट माइंड। आर यू मैरिड? नो सर, आई एम हैप्पी। सर वैसे भी 2 साल ज्वेलरी की दुकान में काम करने के बाद किसी की भी शादी करने की हिम्मत नहीं होगी, सच बता रहा हूँ। जी क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं। कितना काम है अभी, पार्लर जाना है, कपड़े लेने हैं। तू एक काम कर, नेकलेस दिखा दे। ठीक है जी। नेक लेस? क्यों, आपकी गर्दन इतनी खूबसूरत है। नेक मोर दिखाओ। मोर। सर? इनका यही तो ह्यूमर ऑफ सेंस है जिस पे मैं फिदा हो गई और इनसे शादी कर ली, वरना मेरे लिए तो एक से एक रिश्ते आ रहे थे। आपको याद है जी वो परमिंदर 53 ट्रक थे उसके पास और बठिंडा में इतनी जमीन। ज्वेलरी देख ले प्लीज इफ यू डोंट माइंड। दिखाओ। आइए आइए मैम, यहाँ पर ये सर। आइए आइए। आपको याद है जी? आइए सर। बार हम जब दिस साइड सर डिनर के लिए गए थे तो चुंटू का बैग कितना खराब हो गया था। हाय हाय, नेकलेस तो देखो। सर इफ यू डोंट माइंड मे आई नो योर बजट? बजट? मैंने सिर्फ कहा भाग्यवान से कि आपका जन्मदिन है। हो जो चाहिए वो मांगे, नो बजट। अच्छा आगे? इन्होंने डिवोर्स मांगा। मैंने कहा कुछ ज्यादा ही बजट हो गया। देखा कैसे बात बात पे जोक करते हैं। इनका यही तो ह्यूमर ऑफ सेंस है जिस पे मैं लट्टू हो गई और इनसे शादी कर ली, वरना मेरे लिए तो ना। आपने तो एक से रिश्ते आए थे और वो परमिंदर जिनके वो 53 ट्रक चलते है ना। करेक्ट। तो मैं अब हार दिखाऊं? हां। औरत के जिद के आगे फीकी मर्दों की तलवार है। वाजी। औरत के जिद के आगे फीकी मर्दों की तलवार है, इसीलिए तो शायद जेवर का नाम भी हार है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, वाह। ये देखिए मैम, ये हार जो है एकदम लेटेस्ट है, एकदम न्यू पैटर्न। पर मेरी मॉडल तो ओल्ड डिजाइन की है। आप
कुछ और दिखाओ। नहीं जी, मैंने तो यही चाहिए। भाई क्या प्राइस है इसका? सर 180,000 ओनली। ये एक का कि तीन का? सर तीनों का, साथ में मैं भी फ्री हूँ, ले जाइए सर। डन कर दीजिए, डील में बड़ा दम है। और आपकी अकल बहुत कम है, जाइए कुछ और देखिए। आप भी ना। सर एक सेकेंड, सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्यों इस पुराने मॉडल पर इतना खर्च कर रहे हैं? इट्स नॉट वर्थ इट। मैं कुछ करूँ? कैसे? देखिए सर, मैं इस ज्वेलरी की दुकान में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक हस्बैंड के पेन को अच्छे से समझ सकता हूँ। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। दिवाला निकाल रही है ये, कुछ कर। रात को बियर पिलाऊंगा। पक्का सर? देखिए सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिर एक ज्वेलरी की दुकान में एक मर्द ही मर्द के काम आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक मिनट। इनमें से जो सबसे सस्ती वाली अंगूठी है ये ना? हाँ। तो ये अंगूठी आप उसको चिप करो। ये क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो, बुराई कर रहे हो मेरी? अरे नहीं मैडम, सूरज को क्या दिया दिखाना है ना। मैडम आपको पता है, सर मुझे बता रहे थे कि आप लोगों की शादी की पहली सालगिरह में सर के पास आपको रिंग दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो बस सर की आज ये इच्छा है कि वो आपको एक रिंग दिलाए। सच बताओ मैडम, सर का ये प्यार देखकर ना मेरा दिल भरा है, सच बोल रहा हूँ। हाय, मैं सदके जावा, इनके इसी रोमांटिक नेचर पे तो मैं फिदा हो गई और मैंने इनसे शादी कर ली, वरना पता है मेरे लिए तो। हाँ पता है पता है पता है, अब तो ये बात पूरी दुकान को मालूम पड़ गई है। तो मैम आप रिंग लेंगे? हार? हार को मारो गोली, अब तो मैं रिंग ही लूंगी, मुझे यही पसंद है। अब ये रिंग ही मेरे लिए 9 लाख के हार के बराबर है। तो मैं बिल बना दूं? मैम बहुत ही डिफरेंट और अच्छी चॉइस है आपकी मैम। 3 मिनट में अगर बिल नहीं बनाया ना तो मैं फिर शॉपिंग करने चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बना के आता हूँ, एक सेकंड। सब जूते में कैसा? नहीं कुछ नहीं है। आप देखिए तो, दिख रहा है? देखिए जरा, क्या ये? देखिए खोलिए जूता, जूता खोलिए। क्या है ये, क्या है ये? भाग जानिवा! अरे तू भी! ए रुक, ए रुक साले! जुबी,
यू ओके? मुझे दुबई वापस जाना है, सब खत्म हो गया। जुबी, पीपल आर वॉचिंग, चल निकलते यहाँ से। जुबी, जुबी, तू सुन रहा है ना मेरी बात? जुबी, पुलिस को बुलाने की बात कर, चल निकल यहाँ से, चल। चल निकलते हैं ऐसे। सभी राइट, चल 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 चल। Just now, everything is over. They'll come and catch us. It is. You can tell me. I'm calling from News Restaurant. Will you tell him that his table for two is confirmed for tonight's dinner? Sure. I'll do that. Thank you, ma'am. Thank you. Neo se phone tha. Tere raat ke dinner ke liye table book ho gaya hai. Kiske saath ja raha hai? अशिता का बर्थडे था आज, शी वॉन्टेड टू स्पेंड द इवनिंग विद मी। कमाल है, मुझे बताया भी नहीं। हर बात बताना जरूरी है क्या तुम्हें? तुम्हारी हर बात मानना जरूरी है क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? नहीं बताना तो मत बता। तू जनरली मुझे हर बात बताता है, इसलिए तो मालूम है जिंदगी की वाट लगी हुई है। पता नहीं हर बार तुम्हारी ये घटिया सी आइडियाज को क्यों सपोर्ट करता हूं मैं। तुम्हारी वजह से ना आज मैं जेल के अंदर घुस जाता 2-3 साल के लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी घटिया आइडियाज की वजह से, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मेरी बेवकूफी की वजह से? ये हम दोनों का प्लान था और आज अगर पकड़े जाते तो तेरी वजह से। तू मुझे बेवकूफ बोल रहा है? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे
एक्सपेरिमेंट की बात कराओ। जुबी तो हद से ज्यादा आगे जा रहा है। ये प्रोजेक्ट हम दोनों ने शुरू किया था और सारे डिसीजंस हम दोनों ने मिलके लिए। Why are you blaming me alone? Shut the fuck up. Just shut the fuck up. You are a psychopath. Do you know that? आग से खेलने की आदत है तुम्हें। And you know what? This whole thing runs in a fucking family. Okay. All right. My entire fucking family is a psychopath. And they're crazy, insane people. And they have no idea how to live in the society. तू तो बहुत अच्छे माँ बाप का बेटा है ना? डॉक्टर है ना तेरे माँ बाप दुबई में? तुझे नहीं सिखाया कि एक साइकोपैथ से कैसे पेश आते हैं? उसकी बात नहीं मानते? क्यों मानता है मेरी हर बात? क्यों मानता है मेरी हर बात? पागल हूँ ना? तो तूने रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? ये सब पूजा के क्रिमिनल साइकोलॉजी के क्लास में शुरू हुआ। तो आप उन्हें क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाती थी? निवेदिता मेरी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। और ये जुबिन मोदी? जुबिन जुबिन एक बहुत ही मासूम और थोड़ा बुद्धू लड़का था। वो दुबई से यहाँ पढ़ाई के लिए आया था। ऐसा क्या पढ़ा जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ाया, सिर्फ वो चार तरह के क्रिमिनल मोटिव्स के बारे में बताया था मैंने। फिर क्या हुआ? लेक्चर के बाद हमने कुछ देर बातें की, फिर मेरे घर जाकर डिनर करने का प्लान सोच रहे थे। पर नीवा की पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी उस रात, तो हमने डिनर का प्लान वीकेंड पे छोड़ दिया। जय क्या हो रहा है? जय क्या हुआ बेटा? जय काम डाउन, काम डाउन बेटा। जय मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्यों लो जय? बेटा बेटा क्या हुआ? क्या लिया क्या इसने? जय लिसन, एक सेकंड रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। डॉक्टर बैनर्जी देखूं की होलो? क्या लिया था जॉय? क्या लिया था बेटा? बोल दो डॉक्टर को क्या लिया था। Had actually gone for a mellow substance and have to come out of this. It turned out to be a fake. झूठ बोल रहे हो तुम? डॉक्टर अंकल ये हमेशा झूठ ही बोलता है। He just wants to ruin his and our life. जिदी, please take him away. I don't want to see his जिदी, face. Please यार. Shut up you scoundrel. शर्म नहीं आती तुझे? मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई बोलने में। बस कर नीवा। मीता ओके बाहर नहीं जाओ तो बाहर में जा। I'm fed up मां, कब तक चलता रहेगा ये सब? मैं तंग आ गई हूँ। भूल मत, भाई है वो तुम्हारा। इसी बात का अफसोस है मुझे कि वो मेरा भाई है। नीवा। हेलो नीवा। हेलो डॉक्टर। या आई थिंक ही शुड स्टेबलाइज सून, सो कुछ होएगा तो फोन कीजिएगा। ओके श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। या Can't handle this stress, ma. कभी हमारे बारे में भी सोचा है? आप लोगों के नहीं, जय के बारे में भी सोचती हूँ मैं। इसलिए कह रही हूँ send him to a rehab. वो 4 साल से ड्रग्स कर रहा है। No, no, he is not going to any rehab. He is going to stay with us. We are going to take care of him. I am sure he is going to come out of it one day. और उनकी परवरिश में अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हम पर ही है। बाबा मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उसका ध्यान नहीं रख सकते, बट ही नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। ही नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। देखो बेटा, तुम जब स्टैंडर्ड 12th में थे, जब तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तब हम तुमको तो
रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा नहीं था। तुम्हारा माँ, मैं और डॉक्टर बैनर्जी, हम तीनों मिलके तुमको सेवा किया था। बाबा, मेरा केस अलग था। I was overstressed with studies and it was a temporary phase specifically related to the exams. जय का केस बहुत सीरियस है बाबा। हमें ड्रग्स और ड्रग एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। उसका इलाज सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर में हो सकता है और टाइम इज रनिंग आउट। प्लीज माँ, तुम क्या पढ़ती हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचती हो, सिर्फ किताबें पढ़ने से और कॉलेज में फर्स्ट आने से तुमने दुनिया जीत ली? खुद की साइकोलॉजी तो संभालने आती नहीं है, और चलिए हमको सिखाने। माँ, सो आर वी गोइंग आउट फॉर अ डिनर? ऑफ कोर्स नॉट। जय की हालत देखी है? वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर टुनाइट। बाबा, दिस इज नॉट फेयर। इट्स योर एनिवर्सरी टुडे एंड जय सेटल, वी कैन टेक हिम अलोंग एज वेल। कितने दिन बाद तो कहीं साथ में जाने वाले थे। वी ऑल नीड अ ब्रेक। बाबा, आई एम रियली बोर्ड, प्लीज। तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब बातें? जॉय की ड्रग्स की वजह से मैं जितना परेशान हूँ, उसे कई ज्यादा तुम्हारी सोच लेके मैं परेशान होती हूँ। ठीक है, मैं ही साइकोपैथ हूँ। मेरी तो अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यू आर कंप्लीट फेलियर एज पेरेंट्स। ना जय के साथ कुछ अच्छा करे और ना मेरे साथ कुछ अच्छा करे। टू हेल विद यू। अपने माँ बाप की 25th एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट लाई थी, अब डिनर के प्लान की तरह इसे भी डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए? तो क्या मैं उन्हें नहीं समझ रही हूँ? ज़ुबी, दे आर माय पेरेंट्स। आई अंडरस्टैंड देम एज अ बैक ऑफ माय हैंड। और जय को रिहैब रिकमेंड करके मैं सबका अच्छा ही सोच रही हूँ ना? ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो तेरे पेरेंट्स हैं, उनको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। वो शायद ये सोच रहे होंगे कि रिहैब बेचकर कहीं सबको पता चल गया तो। ये भी सोच रहे होंगे कि वहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा। और ये सोचकर वो जय के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ना खुद ठीक से जी रहे, ना मुझे जीने दे रहे। दे द बिगेस्ट लूजर्स यार। पैदा क्यों किया जब पालना नहीं आता तो? क्या बकवास क्या कर रही है तू? पेरेंट्स है यार, और वैसे भी वो तुम्हारी तरह साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है जो इस बात को समझेंगे। दैट्स माय प्रिसाइज पॉइंट। पहले तो पढ़ाई का प्रेशर डालते, फिर पढ़ के जब हम काबिल होकर कुछ बताना चाहते हैं तो बड़े होने का रौब जमाते। बाप है तो बेवकूफी नहीं कर सकता क्या? बाप है कि भगवान है? विल यू प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। यू नो व्हाट, तू जब गुस्सा होती है ना तो बिल्कुल पागल हो जाती है। यू गो रियली मैड, किसी को कुछ भी बोलती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस निवा को जानता ही नहीं। ऐसे तो अच्छी नहीं लगती यार। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। ज़ुबी, 3 साल, 3 साल में पहली बार हम कहीं बाहर साथ में जाने वाले थे। फैमिलीज वेकेशन पे जाती है, इतना एंजॉय करती है। वेकेशंस तो दूर की बात है, कुछ घंटे साथ में नहीं बिता यार। ये तो मुझे कह रही है, मुझे तो आदत सी हो गई। 2 साल हो गए मैंने डैड का चेहरा तक नहीं देखा। लास्ट वेकेशन गया था मैं घर, बट डैड गए हुए थे USA कॉन्फ्रेंस के लिए। फोन भी करता हूँ तो वो असिस्टेंट कहते हैं कि ऑपरेशन में बिजी है, शुड नॉट डिस्टर्ब। मॉम का कॉल आता है हर महीने, वो फ़ोन करके बोलती है कि बेटा पैसे पहुंच गए। वैसे भी बैंक से SMS तो आ ही जाता है। क्या जिंदगी जी रहे यार। तेरे घर में भी वही कहानी, मेरे घर पे भी वही कहानी। अपने खुद के घर जाने के नाम से मुझे नर्वसनेस होने लगती है। यार, आई एम बोर्ड टू डेथ। देयर इज नो एक्साइटमेंट, कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। चल एक काम करते हैं, तेरा मूड ठीक करते हैं, रसगुल्ला खा बे। ए बाबा, कितनी बार बताऊं, रसगुल्ला। आई मीन क्या फर्क पड़ता है? सुनना, सेक्स करते। अच्छा आइडिया है, अभी करते हैं।
देख कैसे खड़ा हो गया। ओ, क्या करिए? तो कुछ और बने ना बने, जिगलो बहुत अच्छा बनेगा। Complete customer satisfaction guaranteed. वो तो है, अरे लेकिन कस्टमर मेरे चॉइस का होगा। Rights of admission reserved. Rights of admission? ये है क्या? की नहीं, पागल हूँ, सिर्फ पागलों के लिए अवेलेबल। अच्छा, तो दिखा अपना पागलपन। देखते हैं कौन ज्यादा पागल है। You show me yours, I'll show you mine. Animal instinct मुझ में भी है। Copycat, कुछ अलग कर वरना टिप नहीं मिलेगी। अपनी टिप तो मैं खुद ले लूंगा। हेलो, तेरी साफत रंग लाई, तेरी साफत रंग लाई, तेरी साफत। तुझे किसी और चीज के लिए मिस नहीं भी करूं तो इसके लिए बहुत मिस करूंगी। थैंक यू। Sex is such a terrific stress buster. वाकई में, इसलिए तो मैं कहता हूँ जब भी स्ट्रेस फील करे ना, कॉल मी बेब। शट अप। अच्छा ये बता, कल पूजा के घर क्या गिफ्ट लेके जाना है? बियर। चीयर्स। पूजा, आई लव योर हाउस। या। आई रियली डू। गिव्स यू हाई, यू नो, यू फील यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Honestly, I can't thank my dad enough for making this investment. वरना आज की तारीख में मैं यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकती। Exactly, it's all about loving your parents' money. Well, in that case, you have lots to learn. Zubi comes from this disc background. What's that? Double income, single kid. Neva. His parents nourish so that he can flourish. बहुत हो गया, please, enough. Enough. काश हमारे parents भी ऐसे होते। पर नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब अपना खोटा। देखो तो जमींदार का कुत्ता। अरे नीवा। ना तगड़ा मोटा। नीवा, careful. फेंक दो यहाँ से। हाँ? मुझे seriously मैं फेंक दूँगा उसको यहाँ से। Stop it, guys. ना, आ? इसकी पट्टी ऊंचाई से आना। Enough guys, नीवा कितनी बार कहा है वहां मत जाओ, it's dangerous. पूजा, it's not dangerous at all. In fact, it's so beautiful. इतनी ऊंचाई, अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं। You know what? This is a perfect combination of power and peace. And you're one crazy girl. पागल है तू। I know that. पागल। पूरी पागल। पागल, yeah. तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। जग नफरत का व्यापारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी। सच कहती है दुनिया मेरी, अकल गई है मारी। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। खाके नींबू का आचार, करे हम तुम प्यार। सरकार पर लट्टू हूँ, बिल्कुल बजर बट्टू हूँ। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। नाइस ना? स्टूपिड, वेरी स्टूपिड। तुम बॉन्ग्स की प्रॉब्लम क्या है मतलब?
ये बार बार गाना गाना, किसी भी ओकेशन पे गाना गाना, और वो भी इतना अजीब, तुमने बनाया है क्या? अरे नहीं, it's a song from a 1960s film called Girlfriend, and it is sung by none other than Kishore Kumar. See, another bong, crazy and eccentric like you. अरे, you don't talk about being eccentric, huh? बाबा. तो, okay, चल यार, मच्छर बहुत काट रहे हैं अभी, and I really want to have dinner. अंदर जाते हैं ना, चलो. एक तो इतना अच्छा गाना सुनाया. Want some? So guys, project का काम शुरू किया. पूजा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें. थोड़ा confusion है. I mean, चार चार तरह के crimes को study करना है. Criminals से मिलने के लिए jail से permission लेनी है. फिर criminal lawyers को मिलना है. समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें. Internet से. No, I was thinking के instead of going to jail, criminal से मिलो, criminal lawyer से मिलो, क्यों ना हम Wikipedia, Google पर जाके सर्च करें और उससे अपना जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर ले. हाँ हाँ, theory master. Listen, this is your final year of post graduation, and I really want you guys to take it seriously. एक तो criminal psychology जैसा complicated subject specialization के लिए चुना है. अब तो प्लीज सीरियस बन जाओ और हो सके तो बचपना छोड़ दो. सुना, बचपना छोड़ दो, समझाओ इसे. वो बचपने की बात कर रही है, पागलपन के बारे में नहीं. सुभी, मेरे अंदर कोई बचपना नहीं है. हाँ, पागलपन है और मैं उसे पालना चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती. पागलपन, और वो भी अपने सब्जेक्ट का पागलपन, बहुत अच्छा होता है. It's these crazy people with their crazy ideas that can take this subject further. वो कैसे? See, wise people will never challenge the established facts, right? वो कभी भी मौजूदा systems या theories को challenge नहीं करते. Right. जैसे कि तुम. ऐसे लोग दुनिया चलाने में बड़े काम आते हैं. पर अगर ऐसे लोगों से कुछ नया करवाना हो तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इसके लिए सारे थियरीज और नॉलेज को चैलेंज करने वाला पागलपन चाहिए जो नीवा में है. इसीलिए मैं तुमसे बड़ी उम्मीदें रखती हूँ. थैंक्स पूजा. मैं भी पागल बनूंगा. बेगम अख्तर की एक गजल है, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते. अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, और मौके पे गाए नहीं जाते. गॉड, इट्स बीन अ सॉर्ट ऑफ रेवलेशन. एपिफेमी भी कह सकते हो. हेलो सर, क्या लेंगे? गेट मी अ ग्रिल्ड चीज बेकन and blue fries. Okay. And aapke liye ma'am? One latte for me. Okay. Latte. Thank you, sir. So you are saying something? Yeah. मैंने ऐसे पढ़ा है कि दुनिया में दो तरीके के criminals होते हैं. एक वो जो motive के साथ crime करता है, और एक वो जो बिना motive के crime करता है. पहली category में भी दो sub categories होते हैं. पहले वो जो अपने सर्वाइवल के लिए क्राइम करते हैं, और दूसरी वो जो किसी लालच, किसी ग्रीड में आकर क्राइम करते हैं. और दोनों ही केसेस में मोटिवेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सजा का डर भी उन्हें क्राइम करने से नहीं रोक पाता. राइट, यही पढ़ा है ना हमने? बिल्कुल सही प्रोफेसर निवेदिता भट्टाचार्य जी. लेकिन इससे पहले मैं कुछ खाऊं, यू नो मेरे पेट में क्रिमिनल्स दौड़ रहे हैं. थैंक यू. जुबी, दूसरी कैटेगरी उन क्रिमिनल्स की होती है जो बिना किसी मोटिवेशन के क्राइम करते. अब इसमें भी दो सब कैटेगरीज है. पहले वो जो इल है, एबनॉर्मल है, और लॉ भी उन्हें देख सजा नहीं देता बल्कि उनका इलाज कराया जाता है. राइट, बिल्कुल सही. अगर क्रिमिनल का मोटिवेशन समझ में नहीं आता तो उसे इलाज की ज़रूरत है. जैसे इस वक्त मुझे तुम्हारा भाषण समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी इलाज की ज़रूरत है. सो कॉफ़ी पियो, शायद तुम्हारा इलाज हो जाए. चुपचाप बात सुन मेरी. मैं उन फोर्थ कैटेगरी के क्रिमिनल्स के बारे में सोच रही हूँ
जो आम लोगों से यानी नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पास क्राइम का कोई मोटिव नहीं होता, पर सजा का डर जरूर होता है। इसके बाद भी वो क्राइम करते हैं। बाय। तो उन लोगों को बेनिफिट ऑफ इंसैनिटी का डाउट तो नहीं मिलेगा, तो उन्हें सजा मिलेगी। वही तो सोच, एक नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान जिसके पास क्राइम करने का कोई मोटिव नहीं है, सजा का डर होने के बावजूद भी क्राइम क्यों करता होगा? शायद इसलिए क्योंकि थ्रिल ऑफ गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। ये भी हो सकता है 5 मिनट्स ऑफ फेम। नहीं यार जुबी, आई थिंक देयर इज जस्ट वन सिंपल रीजन, अ नीड फॉर अ हाई, लाइक ड्रग्स। I didn't mean it personally. You know what? बात तो ये है कि हम शायद कभी उनको समझ ही नहीं सकते। मतलब वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं। I mean, we can discuss about this over a coffee, but we can never walk in their shoes. Why can't we walk in their shoes? माना कि हम बड़े क्राइम्स नहीं कर सकते, बट जुबी अभी राइट नाउ वी कैन लीव विदाउट पेइंग द बिल। देखे तो कैसा फील होता है। आर यू क्रेजी? तू क्या बोल रही है? हैंग ऑन जुबी, हम लोग ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं कर रहे। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड पुटिंग थ्योरी टू टेस्ट। एंड जस्ट इमेजिन, वी कैन डॉक्यूमेंट आवर फाइंडिंग्स विद अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इट विल बी द परफेक्ट फाउंडेशन ऑफ आवर थीसिस। पकड़े गए ना तो फाउंडेशन फट जाएगी मेरी, और कॉलेज से तो निकाल ही देंगे। खैर किसके लिए? ये स्टूपिड एक्सपेरिमेंट के लिए? हैंग ऑन, तेरे लिए स्टूपिड होगा, मेरे लिए नहीं है। यार आई वॉन्ट टू नो How it feels? मैं जानना चाहती हूँ क्राइम करके लगता कैसा है। Now listen, मैं जैसा कहूँगी वैसा करेगा ना तो नहीं पकड़े जाएंगे। हम इस कैफे में दोबारा कभी नहीं आ सकते। तो आना भी किसे है? तू एक काम कर, जोर से चिल्ला कि मैं गाड़ी से कुछ पेपर्स लेके आता हूँ। ठीक है, इस दरवाजे से जा, बाहर जाके मुझे कॉल कर, मैं इस दरवाजे से आती हूँ। ओके? जाना जुबी नाउ। जाना जा। मैं गाड़ी से पेपर्स लेके आता हूं। बाहर क्यों आ? अरे बिल मांग रहा था यार। शिट, उसे पता चल गया? हाँ, ऐसा झाड़ा उसको। क्या बकवास कर रही है? Just look at this, फटी पड़ी है मेरी। क्या जूबी, तू भी ऐसा पट्टू है ना? अच्छा बता कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? थक गया हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। चल। तू भी ना एक साइको है, एक नंबर की साइको। फोर्थ कैटेगरी नहीं, थर्ड कैटेगरी की क्रिमिनल।
इनसेन वैरायटी। बकवास बंद कर और ये बता, हाउ मेनी टाइम्स इन लाइफ हैव यू फेल्ट मोर अलाइव? फीलिंग अलाइव, आई एम ग्लैड टू बी अलाइव राइट नाउ। सच बता, कुछ अलग नहीं लगा, कुछ भी? Feeling little different now. I mean, I can't really express that. ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे बेहतर हूँ. Not just another candle in the church. It's a sense of perverted pleasure. हजारों लोगों से अलग फील कर रहा हूँ. Life suddenly feels so exciting. There's something to look forward to. That's not what I meant. Tumhara irada kya hai? I mean, we have agreed, right? This was the first and the last time we are doing it. Mera dil na uchal raha tha us waqt. Itna zor se dhadak raha tha ki ekdam muh se bahar aa jayega. कर रही है? Documenting our experience while it's still fresh, at least in my memory. और टाइटल क्या देगी? Confessions of a झोलर। You know what? अगले कुछ दिन तक जब भी मेरे घर का बेल बजेगा ना, मुझे ऐसा लगेगा कि वो रेस्टोरेंट वाला मेरे घर के बाहर खड़ा है पुलिस पोस्ट लेकर। ओए, तूने गलती से कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ी ना जिससे हमारे घर का पता मिल जाए उन्हें? ओ शिट, एक टिश्यू पेपर पे तेरा नाम और एड्रेस लिख के आ गई हूँ यार। यू नो व्हाट, अब मैं पूजा को जाके बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। सोच, अगर एक बिल नहीं पे किया तो ऐसा लगता है, अगर कोई बड़ा स्कैम किया तो कैसा लगेगा? नो, वी अग्रीड राइट, दिस इज लास्ट एंड फाइनल टाइम। सुन तो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। जूबी यार, सुन तो, सुबी सुन ना, मेरी बात तो सुन। बोल। आई प्रॉमिस, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन हो। वील वॉक अवे व्हेनेवर यू वांट टू, बट लेट्स जस्ट पुश आवर लिमिट्स अ बिट मोर। सोच, एक बिल पे नहीं किया तो ऐसा लग रहा है, थोड़ा और सीरियस क्राइम करेंगे तो कैसा लगेगा? जुबी, वी गॉट अ रियल चांस टू वॉक इन द शूज ऑफ Sinister fourth category. Please, Zubi, I can't do this without you. अब क्या? अब इसमें जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है ना, वो हमें नहीं करने। नाउ आई नो वेयर टू स्टार्ट। सर, मैं मर्लिन रिसोर्ट्स की तरफ से आई हूँ आपके लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स लेके। आप
हॉलीडेज पे तो जाते होंगे ना? अरे मैडम, हम तो गुज्जू भाई है और हॉलीडे तो हमारा लोई में बसता है। फिर तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है सर। सर अब सुन रहे ना मेरी बात। हाँ हाँ। सर हमारे 47 रिसॉर्ट्स हैं। अब जहाँ भी जाएंगे हमारा रिसॉर्ट जरूर होगा वहाँ पे। बहुत सारे। सर लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे? लास्ट टाइम ने हम लोग पालीटाना गए थे। क्या पालीटाना? पालीटाना? पालीटाना ही नहीं खबर। सॉरी बट पालीथाना में तो हमारा कोई रिजॉर्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वैसे हमारी पूरी फैमिली के लिए डिस्काउंटेड ऑफर्स है सर। आप फैमिली के साथ जाते हैं सर? हाँ बिल्कुल मैडम, फैमिली के तो साथ ही जाना पड़ता है ना, नहीं तो घरवाली एकली एकली छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा, फैमिली में कितने लोग है सर? कुल मिला के समझो ना हम 70 लोग है। क्या 70? 70 એટલે 1 અને 7 17 ઓ ગુજરાતી મે કે હમ લોગ 70 બોલતે 17 વો કે હમ જોઈન્ટ ફેમિલી હે ના તો ટોટલ હમ 3 દુકાન ઓર 4 ભાઈ હે તો સબ મિલકે હી જાના પડતા હે હમેશા સાથ મે હા મેડમ ભાઈ મુજે યે ચાહીએ સબ મિલા કે કિતના હુઆ 690 રૂપિયા હા જી એક સેકન્ડ ચેન્જ સોરી ઓકે हाँ मैडम, तो हम कहाँ थे? यहाँ। हाँ हाँ हाँ। एक बात बताओ, जितनी भी लड़की आती है दुकान में सबको ऐसे ही देखते हो क्या? अरे ओ मैडम, आपड़ू हॉलीडे रिसोर्ट नू। हॉलीडे रिसोर्ट? हाँ, बच्चे कितने तेरे? 2। वाह 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 वाह, और बीवी का वजन तो 90 किलो से ऊपर ही होगा। हाँ 98 किलो, आपको कैसे खबर? जिस तरह से विंडो शॉपिंग कर रहा था ना मेरी, सब समझ में आ गया मुझे। अरे 100 किलो की बोरी के साथ रहता है, 17 लोगों के साथ पाली थाना जाता है हॉलीडे मनाने के लिए। तेरा सामान तो तेरे गोडाउन में पड़ा पड़ा ही सड़ जाएगा। तुझे हॉलीडे पैकेज के लिए इसकी जरूरत है, पहले गर्लफ्रेंड लेके आ फिर जा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये शॉप का ग्राउंड फ्लोर है, ये 2 जगह 2 कैमरे लगे, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 2 कैमरे लगे। शॉप का हर कैमरा 15 सेकंड्स के लिए ऑफ होता है और 15 सेकंड्स के लिए ऑन, बट यहाँ नीचे स्क्रीन पर एक बार में सिर्फ 2 ही कैमरे दिखाई देते, यानी शॉप का हर कोना 30 सेकंड्स के लिए सेफ है और 30 सेकंड्स के लिए अनसेफ। तुझे इन्हीं 30 सेकंड्स में अपना काम करना है। और एक बात और, वहाँ पे एक की चेन वाली पेन ड्राइव है, वो जरूर लेके आना। $200 कोई परेशानी है? अरे क्या बोलने का भाई, अभी एक मालगाड़ी आई थी, दाएं 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 करके मेरी तो इज्जत ही लेके गई। लेके गई? बिल नहीं देंगे आप? मिल जाएगा। नहीं रहने दो। This is cute. इसे मैं कबर्ड में रखता हूँ। ओए, मेरा पेन ड्राइव लाया? हाँ, मैं तो शॉपिंग करने के लिए गया था ना, पेन ड्राइव नहीं लाया। नहीं लाया भाई, जो मिला वही उठाया। क्या यार? What क्या यार? वैसे डर के मारे मेरी बैंड बजी हुई थी, तुझे तेरी पेन ड्राइव की पड़ी है। एक बात बता, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का? ऑब्वियसली पकड़े जाने से। नहीं, मुझे पकड़े जाने का डर नहीं लगता। मुझे डर से डर लगता है,
मतलब अगर किसी को अंधेरे से डर लगेगा तो वो क्या करेगा? अंधेरे में नहीं जाएगा। उसी तरह मुझे डर से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं डरती। यार तू ना एकदम आइटम है, वन पीस। हेलो मॉम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हारी बैंक में कल पैसे जमा कर दिए। मॉम एसएमएस आ गया था बैंक से। ओके, इफ यू नीड मोर मनी जस्ट लेट मी नो। ओके मॉम, आई विल लेट यू नो। बाय बाय बेटा। दुनिया के सबसे बिजी पेरेंट्स। जुबी दे केयर फॉर यू। हाँ केयर करते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए तो उन्होंने रामू काका को भेजा है। अब ये रामू काका कौन है? रामू काका तुम नहीं जानती? रामू काका बाहर आओ, आओ। आज के दुनिया के सबसे अच्छे केयर टेकर रामू काका। ये तो वीजा काका है। यस। ए हेलो, मेरे कपड़े खराब मत करो प्लीज। हेलो, कर क्या रही तू? खिचड़ी पका रही हूँ। पक गई खिचड़ी। नाउ डू एज आई से, साइन कर। वो तो मैं करूंगा, लेकिन क्यों? फॉर्जरी। मैं तेरी साइन फॉर्ज करूंगी। नो 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 नो। यस यस, इस बार वीजा काका को छुट्टी, इस बार तो चेक से पैसे निकालेगा। लेकिन ये सब तय किसने किया? हमने। हाँ? सोचना, चार्ट पे एक और टिक करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अकाउंट तेरा, अकाउंट में पैसे भी तेरे, चेक भी तेरा, चेक पे सिग्नेचर भी तेरा, पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि सिग्नेचर तू नहीं मैं करूंगी, है ना? परफेक्ट फॉर्जरी। चल चल साइन कर, साइन कर। भट्टाचार्य, गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। सो आप जुबिन मोदी को कैसे जानती है? एक्चुअली आई एम डूइंग द इंटीरियर ऑफ हिज हाउस। ओके, कैन आई हैव योर बिजनेस कार्ड? I'm so sorry, I'm not carrying it right now. लेकिन बिना छानबीन किए मैं चेक पास नहीं कर सकती। तो शौक से छानबीन कीजिए, पर मुझे ये लिख के दे दीजिए कि आप चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बाकी मैं आपके मैनेजर से बात कर लूंगी। पैसे आप नहीं, मेरे क्लाइंट मिस्टर जुबिन मोदी दे रहे। आप अपना काम कीजिए जिसके पैसे आपको मिलते। इस चेक के पीछे साइन कीजिए। किसके? Obviously, आपकी। दूसरों की साइन करना फॉर्जरी है, isn't it? एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने तुझे गुड आफ्टरनून मैम बोल दिया और तूने सच समझ लिया। तू एक बोरिंग सी क्लर्क है जो जिंदगी भर दो पंच और एक लंच के बीच में हम जैसे क्लाइंट्स को सर्व करती रहेगी। जिंदगी में और कुछ कभी कर भी नहीं पाएगी। ब्लडी लूजर। आजकल कोई भी पैसा कमा लेता है। तेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? तू बहुत कम बात करता है यार। ऐसा नहीं, एक मिनट, मेरा मैसेज आया। फॉर्जरी डन। किसे घूर रहा है? अरे ये क्या,
मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे जेब में पड़ा और किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड से 11,500 स्वैप कर लिए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। हेलो, उस गधे का ब्लूटूथ ऑन था मैडम। हाँ, हार्ड डिस्क में कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी तो मैंने हैक किया। उसे कुछ डिटेल्स निकाले, उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने शॉपिंग की और हार्ड डिस्क से सारे डेटा डिलीट कर दिए। अरे इस औरत का प्रॉब्लम क्या है यार? कभी बोलती है एक दबा, कभी बोलती है तीन दबा। And you know what? ऐसे जो लोग हैं, ये महंगे गैजेट्स तो खरीद लेते लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए IQ, आई मीन योर ब्रेन, वो दुकान में नहीं मिलता। ओए, तेरे एड्रेस से तुझ तक पहुंच गए तो पागल। पागल तू है, मैं नहीं। यू नो व्हाई? मैंने ऐसे ही मन से कोई एड्रेस बनाया और डाल दिया। अभी क्या है कि गिफ्ट भी वापस आ जाएगा और पैसे भी, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। गेन उसका ये होगा कि मुफ्त में उसको ज्ञान मिल जाएगा अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड यू शुड थैंक मी फॉर दैट। वाह 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 मेरे शेर, कमाल कर दिया तूने। मेरे साथ रहते रहते बहुत स्मार्ट हो गया तू भी। एंड यू नो व्हाट, घर जाके ना आज हम दो क्राइम पे टिक मारेंगे, एक फॉर्जरी और एक साइबर क्राइम। और पूजा को जाके बोल देना क्या वो मतलब मजाक उड़ाते रहते मेरी क्लास में, थियरी मेरा प्रैक्टिकल देखा। अरे हम दोनों साथ जाएंगे। जुबी सी, कौन कर लिया, शॉपलिफ्टिंग हो गई, साइबर क्राइम, फॉर्जरी भी, चार क्राइम्स कर लिए हमने एंड विंटर प्रोजेक्ट इज ओवर। दोनों साथ में चलते। नो, सी द थिंग इज, मुझे उससे डर लगता है। अभी वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता, और वैसे भी प्लान तेरा है। मेरा प्लान? ये हम दोनों का प्लान था जूबी, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम जूबी। व्हाटएवर, एंड यू नो व्हाट, मैं नहीं आने वाला, सो बाय। अरे जूबी सुन तो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उस दिन जाके तुम पूजा को सब कुछ बता देती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। गई तो थी मैं पूजा से बात करने, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम बोलने के बजाय सुनकर आ गई। एंड यू नो व्हाट, ये पूजा की जो थ्योरी है ना, द थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम, इसने तुम्हें भटकाया है। हे हेलो, देयर इज नो तुम्हें हियर, और मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा दैट वी ऑलवेज वर्कड एज अ टीम। यस यू आर राइट, मुझे ही तुम्हें रोकना चाहिए था। ये थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम क्या है? जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है पर अपने होशियारी के वजह से वो कानून के हाथों से बच जाता है तो वो उसका क्राइम परफेक्ट क्राइम माना जाता है। वाह, तो आपने उन दोनों को परफेक्ट क्राइम का डिग्री दे दिया? नहीं सर, वैसे तो ये चारों क्राइम की कहानी बताने के लिए सिर्फ नीवा आई थी मेरे पास। उसने बोला कि उसे एक ऐसे इंसान मिला जो जिसने ये सारे क्राइम्स किए हैं। मैंने बहुत पूछा उसे कि कौन है वो आदमी, पर उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उसे इंटरनेट पे मिली थी और उसका असली नाम, चेहरा कुछ नहीं जानती। मैंने बोला कि मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट और कनाइविंग हैं, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। तेरे पीछे पीछे आना और यूं ही मुस्कुराना, बस यही चाहता हूँ ओ माला। तेरे हाथों को पकड़ना, तुझको बाहों में उभरना, तेरे साथ मैं रहूँ तो होती है दिल में ये गुदगुदी, ये गुदगुदी, ये गुदगुदी। पीछे आना और यूं ही मुस्कुराना, दिल तेरा है दीवाना ओ माय लव। तेरे हाथों को पकड़ना, तुझको बाहों में उभरना, तेरे साथ मैं रहूं तो होती है दिल में ये गुदगुदी।
Neva, this is amazing, yeah? I mean, just imagine. Hum is home theater mein Dark Knight dekhenge. And that Batmobile, you know, going from right to left. Amazing, you know? I'm just wondering, jab Pooja ko ye sab pata chalega, to kya reaction hoga uska? I know. Zubi? Haan? Humne Indian Penal Code ke इन सीरियस क्राइम्स के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया यार। You mean to say rape and murder and all that? Yeah. What's so surprising about it? हमें जो करना ही नहीं उसके बारे में डिस्कस क्या करना है? How can we kill someone? Or rape? What's so funny about it? I mean, how can we rape someone, yeah? Zubi, ek minute idhar aa. Mind your own business. Arey aa to idhar. Kya hai? Rape me. What? Yeah, rape me. Crazy, right? I'm not crazy. I wanna feel it full on. I wanna know. Kaisa lagta hai? Feel कैसा लगता? I mean, how can I rape you? Why can't you rape me? I'm a girl, you're a guy. Rape करने के लिए जो भी चाहिए सब तो है हमारे पास. Come on, rape me. You're not getting it. That's the problem. Oh. Zubi. Zubi. You know what? Zubi, nahi! Zubi, chodo! Nahi! Zubi, ye bachcha! Zubi! Zubi! छोड़ दिया अरे रेप करेगा तो छोड़ने को ही बोलूंगी ना नो 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 नॉट माय स्पीकर लड़की है कुत्ती कुत्ती की तरह काटेगी तो रेप कौन करेगा यही तो मैं सोचती थी कि एक अकेला लड़का एक लड़की का रेप कर कैसे सकता है कम ऑन ज़ू इट वाज टायरिंग हां एक्सेप्टेड तेरे बस की बात नहीं थी यू नो व्हाट देयर वाज नो स्ट्रांग इंटेंट फॉर माय साइड और वैसे भी तू सक्सीड हो भी जाता ना तुझे मजा ही नहीं आता मतलब You idiot! You disgusting pig! ये क्राइम ना पूजा के साथ थियोरेटिकली पढ़ते हैं
क्या है? मुझे लगा आज मेरे साथ तो नहीं कर पाया, कल जाके पूजा के साथ करेगा। Stop laughing, huh? Rape is covered under Section 375 of the Indian Penal Code. And understanding of this law aapke victims ko madad karne mein bahut kaam aayega. Isiliye it's really important for both of you to learn this. Pooja, mujhe ek baat samajh mein nahi aati ki ek akela aadmi ek aurat ka rape kaise kar sakta hai? Like how? Kya matlab? मतलब आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक औरत को इंटरकोर्स के सही पोजीशन में लेके आना क्या इतना इजी होता है? खास करके अगर वो दांत काटती और नाखून से नोचती हो। जुबी नीवा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इनफैक्ट वो बहुत मुश्किल हो सकती है, इसीलिए सिर्फ दो केसेस में एक अकेला आदमी एक औरत का रेप कर सकता है। कौन से दो केसेस? पहले तो ये कि जब कोई आदमी जान से मारने की धमकी या फिर कोई ऐसे ही इतनी बड़ी धमकी दी जहां वो औरत सरेंडर करने पे मजबूर हो जाती है। और दूसरा? दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें ना आई गेस यू कैन से हर औरत में हमेशा बचपन से कहीं ना कहीं ऐसा फियर है उसमें। ये फियर जब सच में बदल जाए तो एक औरत साइकोलॉजिकली नम हो जाती है एंड शी कांट रिटेलिएट। सो डिड यू अंडरस्टैंड? नो, माय क्वेश्चन वाज कि जब नाखून या दांत। ओके ओके गाइस, आई थिंक आई हैव टू लीव, जॉय इज इन सम ट्रबल, क्या पता क्या हुआ है। शुड आई कम? नो इट्स ओके, यू कैरी ऑन विद द रेप। नीवा, यू विल बी फाइन, राइट? या श्योर, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय जुबी, बाय। So yes, my question was कि अगर नाखून या दांत यूज करे तो कैसे रेप कर सकते हैं? Oh, हाँ, Subi, really? Joy, Joy, अरे? What happened? दीदी, फोन पे तो बोला था ना आ रही हूँ। हाँ, पर क्या पर? बैठो तो सही। और फिर ऐसा SMS क्यों भेजा? Because I wanted to talk to you. But I don't, and you know that. और तुम्हें क्या लगा इस तरह झूठा SMS भेजोगे तो मैं तुमसे बात करने लगूंगी? तो क्या भेजता? मुझे बात करनी है, तुम आती? Never. I've told you हजार times, जब तक तुम इस गंदगी से बाहर नहीं आ जाते, Joy, you're not my brother. जा रही हूँ मैं। दीदी please, don't ignore me. Please talk to me यार। इस तरह माँ बाबा को इमोशनल कर सकते हो पर मुझे नहीं। Now stop following me and get lost. दीदी please. अरे सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलेज नहीं चलना? जाना है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, नीड अटेंशन। सो अटेंशन नहीं जुबी, इट नीड्स चेंज। यू आर राइट, एंड यू नो व्हाट, यू बोथ आर सो सिमिलर। कैसे? यू बोथ आर टेम्परामेंटल, दोनों को अटेंशन चाहिए, एंड आई हैव बीन राइडिंग बोथ ऑफ यू सिंस वन ईयर, सो बोथ नीड अ चेंज। ओ, इसलिए आजकल हर्षदा के आगे पीछे घूमता रहता है। यू आर राइट। चल मेरा चेंज तो हर्षदा हो गई, इसका क्या? याद मत दिलाना प्लीज। वो गाड़ी देख रही है? वो मेरे नेबर की कार। क्या गाड़ी है, जापानीज इंजन है, एक्सेलरेशन मस्त है, पिकअप सुपर। तो चेंज की सारी प्लानिंग हो चुकी है? कहा यार, मॉम कह रही है कि 6-8 महीने में दुबई वापस आना है, तो पैसे बर्बाद क्यों करूं? इन अ वे शी इज राइट। कितने में बेच रहा है? अराउंड
1.5 lakh. क्यों? तू दे रही है? मैं जो दे रही हूँ वो तो अब तुझे हर्षदा से चाहिए. जली जली हाँ जल ऐसा. नो वे, मैं तो सोच रही थी कि What's wrong with you? You will hurt yourself. अच्छा सुन ना, गाड़ी के बारे में सोच रही थी, कोई अपना तरीका आजमाए? वैसे ग्रेट आइडिया. हम अपने नेबर की कार चुरा लेते और फिर हर रोज रात को ना पार्किंग लॉट में लाके पार्क भी कर देते. व्हाट एन आइडिया सर जी. ए बोंदू, नेबर की गाड़ी चुराने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ. नेबर से तो खरीदेंगी, पर स्पॉन्सर मम्मी नहीं, कोई और होगा. कौन? दिस कार विल बी स्पॉन्सर्ड बाय चांदनी ज्वेलर्स. नो, इट्स टू रिस्की. पकड़े गए तो यार, तेरा कभी कोई और रिएक्शन होता है? आज तक पकड़े नहीं गए, फिर भी तेरी सुई यहीं आके अटक जाती है. पकड़े गए तो ठीक है, पर प्लान मेरा होगा, क्योंकि तेरे प्लान ना हमेशा डेंजरस होते हैं. क्यों? क्यों क्या? उस दिन कैफेटेरिया में गई, वेटर से झगड़ लिया, बैंक गई कैशियर से झगड़ लिया, और उस दिन गिफ्ट शॉप में ओनर से झगड़ लिया. तू सबसे झगड़ा क्यों करती है? थोड़ा चिल मार यार, और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने तेरी कोई चीज चुराई हो. स्टूपिड, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. और ऐसे चुपचाप निकल गए तो क्या बड़ा किया? अरे दो चार गाली दे के निकलते, सो देयर इज मच मोर एडवेंचर यार. तेरे एडवेंचर की तो ना, प्लान मेरा होगा एंड दैट्स फाइनल. डन डन. कॉलेज जाने से पहले कुछ टाइम पास करें. हां, टाइम पास के अलावा कुछ आता भी है? अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है यार. इस बार कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो गया? जहां तक मेरा ख्याल है जूबी, पूरी चेज में गार्ड हमसे बहुत पीछे था, तो हमें पहचानना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है. और जो हार चुराने गए थे वो तो वही छूट गया, तो मुझे नहीं लगता वो पुलिस में हमारी रिपोर्ट भी करेंगे. आई थिंक वी आर सेफ. तुझे क्या लगता है? सीसीटीवी में भी हमारा हुलिया पहचान नहीं पाएंगे वो लोग. नॉट पॉसिबल. जुबी एक बात बता, तू उनका आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकता है और सर्वर से फुटेज डिलीट कर देना? नाइस आइडिया. देन वी आर टोटली सेफ. हाँ नहीं नहीं वाह नहीं, वी हैवन प्लान दिस राइट. यार हमने जो भी क्राइम किया है सोच समझ के किया है, क्राइम को समझने के लिए किया है. और मैंने हमेशा ये देखा है कि एक क्राइम को मिटाने के लिए अगर क्राइम करते हैं तो गड़बड़ी होती है, ठीक कुछ नहीं होता. पका मत ना यार, लैपटॉप निकाल और काम चालू कर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं निवा, लुक एट दिस यार, वी नीड टू गेट बैक टू अ नॉर्मल लाइफ. वी हैव टू स्टॉप समवेयर. मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता. पागल हो गया तू? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? व्हाई आर वी टेकिंग रिस्क? तुझे आती है हैकिंग करना तो करना. तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या कह रही है? पिछले 3 महीने से हम यही तो कर रहे हैं. दिमाग में सिर्फ क्राइम ही चल रहा है हमारा, 24 घंटे सिर्फ क्राइम के बारे में सोच रहे हैं. हमने ये सब एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू किया था. बहुत हो गया निमा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.
Whatever we are doing is not right. You know that. I know it's wrong, Zubi. But it seems so right. Life has become so exciting. You know? We're not living like common people's boring, non-happening, monotonous life. We are intelligent people. And every day we are challenging our intelligence by executing tougher and tougher tasks. We are mastering the art, Zubi. जिसे तू आर्ट के लिए वो क्राइम है. इट्स पनिशेबल बाय लॉ. तो कब? जब पकड़े जाएंगे तब ना? यार, हम साइकोलॉजी के चैंपियंस हैं. प्लानिंग में परफेक्ट. हमें कोई नहीं पकड़ सकता. मिस्टर जुबिन मोदी, वी आर अनटचेबल. चलो, लेट्स सेलिब्रेट टुडेज ग्रेट एस्केप. नो मींस नो. मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला. ये आखिरी टर्म रह गया यार. मैं टर्म खत्म करके घर वापस जाना चाहता हूँ. बैक टू माई. आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक हियर यार. और मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? ये सड़ी हुई जिंदगी जीती रहूं? अपने माँ बाप के इग्नोरेंस को बर्दाश्त करती रहूं? ऐसे अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करती रहूं? एमए पास करूं, ये बोरिंग थ्योरेटिकल पढ़ाई करके फिर किसी सड़े से स्कूल की काउंसलर बन जाऊं, फिर शादी, फिर बच्चे पैदा करूं, फिर एक 1 BHK का फ्लैट खरीद के 20 साल तक उसके किस्तें चुकाती रहूं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसलिए हम कार नहीं खरीदेंगे, स्कूटर पे घूमेंगे जिंदगी भर. साल में एक बार शिमला, कुल्लू, मनाली और 5-10 साल में एक बार बैंकॉक, पटाया. छी, ऐसी सड़ी गली बेहुदा जिंदगी मुझे नहीं जीनी दूबी. निवा, तुम्हें इन चीजों से नफरत क्यों है? सभी तो ऐसे जीते हैं ना. जीते होंगे यार जूबी, निवा नहीं जिएगी. आई एम वेरी क्लियर, मैं अपनी काबिलियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ. You know what, Niva? You are confused. कल तक तुम्हारे लिए जो एक्साइटमेंट था उसमें तुम आज अपना फायदा ढूंढ रही हो. Whatever. I don't care. You know what? But I care for you. I care for you and me. सच मानो तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है. Suddenly, जिंदगी में खालीपन आ जाएगा. क्या हमसे हो पाएगा ये? नहीं होगा यार जूबी, we are not made for this bullshit यार. Let's admit this and move ahead. I'm not sure. निवा, एक काम करते, let's talk to पूजा. उसको हम अपनी कहानी बताते, किसी और की क्या क्या, देखते हैं वो क्या बोलती है. तब तक तो हम वेट कर सकते हैं ना. Then we'll decide. ठीक है, पर इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तो साथ चलेगा मेरे. मैं फोन करता हूं. हेलो पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन ज़ूबी, पर तुम दोनों आजकल हो कहां? दिवाली वेकेशन के बाद कॉलेज आए नहीं? इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन. I was in Dubai with my mom and dad, so little caught up there. Niva, वो अपने भाई को लेकर थोड़ी सी बिजी है. But you know what? We still working on our assignment. And we have met some interesting people. और हम चाहते कि हम बैठ कर डिस्कस करें. Great, तो कल कॉलेज में मिलते हैं. नहीं, थोड़ा पर्सनल डिस्कशन भी है, तो हम दोनों तुम्हारे घर आ जाए? Sure, why not? How about this Friday evening? Does that work? Sure, thank you, पूजा. Okay, bye, Zubi. फ्राइडे को बुलाया, लेकिन उसमें भी 3 दिन बाकी है.
यू आर सो डिस्गस्टिंग. घिन आते मुझे तुमसे. आई एम सॉरी जूबी. हाउ कुड यू डू दिस. हर्षदा तुम्हारी फ्रेंड है. तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से उसने लैपटॉप लिया है. पता है मुझे. कल वापस कर दूंगी. बात लौटाने की नहीं है. हाँ मतलब क्या हो गया यार. ओए ये क्या हुआ है. I got beaten up. What? जिम गया था. There was this hot chick. कंट्रोल नहीं कर पाया. I ended up touching her and she shouted. उसके फ्रेंड्स ने मुझे मारा. जुबी ये हो क्या रहा है. We can't control our own actions. What's wrong with us? I mean, मैं सोई नहीं हूँ दो दिन से. मैं भी एक घंटे से यही सोच रहा हूँ कि मुझे हो क्या गया है, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. निवा, निवा, we need help. We need urgent help. I mean, this is getting out of control, yeah. You mean compulsive offenders? No, not just that. We are also becoming kleptomaniac. Niva, we need to go and see Pooja. I mean, this is just getting insane. But Pooja ne to Friday ko bulaya na. We can't wait till Friday. Pooja college se aati hogi, right? So we should go to her place and just meet her. Now I'm scared. We can't delay things. Chalo. Chal. Let's go. Zubi, what are you doing here? Huh? Pooja. Niva, तुम भी? क्या हुआ निवा? You're looking so stressed. What's wrong with you? पूजा, we are in a mess, पूजा. पर हुआ क्या? अच्छा चलो अंदर जाके बात करते हैं. किसका फोन बज रहा है? नीवा क्या बात है? कौन है? कौन बार बार फोन कर रहा है आपको? Are you okay? Yeah. What? You're not in trouble, right? No. मम्मी का फोन आ रहा है. तो उठाओ. और जुबी ये तुम्हें क्या हुआ? हाँ अरे जुबी कुछ तो बताओ ना. नीवा क्या हुआ? नीवा क्या हुआ? वो आज जो है रिहाब जा रहा है. मम्मी घर पे बुला रही है उससे मिलने के लिए. तो घर जाओ ना नीवा. मुझे नहीं मिला उससे. नीवा ऐसा नहीं करते हैं. ओके आपको मिलना चाहिए उसे. मेरी बात मानो. आपको मालूम नहीं जय लौटेगा कब है ना. पूजा एक्चुअली हम लोग अरे नीवा उठाओ और घर जाओ. नीवा क्या बात है? पूजा मुझे नहीं जाना है और मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है. नीवा शट अप एंड गो. ओके ओके मेरी बात मानो. तुम ऑटो पकड़ के घर जाओ उसे मिलके एक घंटे में वापस आ जाओ. हाँ चलो
चलो उठो ना। देखो टेंशन मत लो, मैं भी तब तक फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है? और फिर हम खाना मंगवाते हैं और फिर अच्छा सा खा के ना विल बी फाइन। तुम टेंशन मत। निवा। इट्स ओके, मैं हूं ना इधर, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जुबी बताओ क्या हो रहा है इधर? What's happening with you? हुआ क्या? पूजा। माँ, जॉय चला गया क्या? माँ, सुबह से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आप आओगे या नहीं, पर अब जब ये चिट्ठी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप इसे पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम मिले। नीवा दीदी, बचपन से ही आप मेरी हीरो रही है, एंड आई वॉज ऑलवेज प्राउड टू बी योर ब्रदर। आई नेवर वॉन्टेड टू बी लाइक यू, नेवर नेवर डिड आई थिंक ऑफ बींग लाइक यू। आई वॉज इंस्टेड हैप्पी लिविंग योर अचीवमेंट्स। Being your brother was the biggest gift that God had given me. इसलिए जब relatives, neighbors या teachers compare करते थे, जब taunt मारते थे कि मैं आपके जितने intelligent नहीं हूँ, मुझे कभी बुरा ही नहीं लगा यार। You have been the best sister that I could have had. But अफसोस इसी बात का कि I failed somewhere. मैं तो अब जा रहा हूँ, या तो इस दलदल से पूरी तरह से बाहर निकलूंगा या फिर इसके गुमनामी में कहीं खो जाऊंगा। You're such an idiot. What have I done? मैंने क्या किया? ये सब करने के बाद तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? Are you an absolute fool or something? और बेचारी नीवा को you totally dragged her into all of this mess. पूजा, ये सब नीवा का प्लान था। I was the one who was dragged in it. Oh please. So, please, huh? As if it's Neva's plan. माना के वो थोड़ी सी पागल है, वो अजीब है थोड़ी सी, पर तुम तो समझदार हो ना? You come from a nice cultured background, you should understand. So is it a crime to come from a prosperous family, nice family? No, it's not, Zubi, but at least you should understand. Don't be so foolish all the time. बंदू की तरह तुम उसके पीछे पीछे जो भी वो कहते रहे, तुम उसके पीछे पीछे करते रहे. And you expect me to believe that? Oof, Zubi, it's as if you totally used her. Enough. You know what? Enough is enough. तेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं गलत हूँ, राइट? मैं भोंदू हूँ, मैं थियरी मास्टर हूँ. निवा जो भी करती है वो सही रहती है. She's a saint. She's an angel. I'm the fucking devil all the time. Why? Just calm down, okay? You're a fucking bitch. You just want to pounce on me all the time. You should just mind your language. How dare you talk to me like that? Mind my foot. मैं भोंदू हूँ ना? थियरी मास्टर. बहुत मस्ती है ना तेरे को मैं दिखाता हूँ कि मैं तेरी थ्योरी ना कैसे प्रैक्टिकली आजमाता हूँ. सुबी, तू कहाँ जा रहा है? सुबी, व्हाट आर यू? सुबी, आई एम गोइंग टू यूज़ योर थ्योरी ऑन यू प्रैक्टिकली. सुबी, हैव यू गॉन मैड? व्हाट? आई एम गोइंग टू रेप यू विद द लाइफ थ्रेट. हैव यू ऑनेस्ट? प्रोफेसर पूजा, तेरी थ्योरी है ना कि एक अकेला मर्द औरत का रेप नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता अगर औरत
जान के डर से, या तो फिर औरत नम होकर सरेंडर कर दे। बट यू आर प्रोफेसर, तुम्हारी थ्योरी है, व्हाई वुड यू सरेंडर, राइट? बट जान तो प्रोफेसर को भी प्यारी है। बेचारी नीवा, उसको हमेशा से एक मर्डर या रेप करना था। सो लेट्स गिव दिस क्राइम टू यू। सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस? हाँ, रेप और मर्डर? जूबी, पूजा, 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 क्या हुआ पूजा? जुबी, 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 पूजा को क्या हुआ? जुबी, जुबी डॉक्टर को बुलाया? जुबी, जुबी क्यों बैठा है यहाँ पे ऐसे? जुबी कुछ तो बोल। I raped her. What? क्या? क्या बोल रहा है? क्या? It's not my fault. Shut up, जुबी. निवा. When you left, Nivab. She coaxed me into it. She was the one who invited. She compelled me to. Zubi, she was our teacher. And she was our last hope. Zubi, tune kya kiya? She was our teacher. To baar baar mera mazak kyun udati thi? Bhondu, theory master. मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने दिखा दिया। अब क्या करेंगे? I know what to do. What? हाँ? अब क्या करने वाला है? जुबी, जुबी सुन, जुबी रुक, जुबी प्लीज, जुबी सुन, जुबी, जुबी, जुबी जुबी, प्लीज ऐसे मत कर। जुबी, मेरे बात सुन। जुबी, नहीं वो क्या कर रही यार? जुबी, जुबी, I'm so sorry जुबी, जुबी, I'm so sorry जुबी, 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 जुबी प्लीज, जुबी, जुबी जुबी प्लीज, जुबी प्लीज, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो प्लीज उठ जा जुबी। जुबी, जुबी उठो, जुबी, जुबी प्लीज, जुबी प्लीज, जुबी, पूजा, पूजा, पूजा प्लीज उठो, पूजा उठो, पूजा देखो उसको क्या हो गया है, प्लीज उठो, पूजा उठो, उठो, पूजा उठो, जुबी Zubi, 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 please उठ जाओ Zubi, I'm so sorry Zubi, Zubi, Pooja, Pooja please do something, please, Pooja उठो ना, मैं क्या करूँ Pooja, Pooja please
सॉरी आई एम सो सॉरी सुबी उठो ना सुबी प्लीज सुबी 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 टॉक टू मी सुबी पूजा इट्स नॉट डेंजरस एट ऑल इनफैक्ट इट्स सो ब्यूटिफुल इतनी ऊंचाई अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं यू नो वॉट दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड पीस तो सर ये थी पूरी कहानी शिंदे मैडम के बयान का दो कॉपी लो और उनका सिग्नेचर ले लो सर मुझे कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास पुणे जाना है जा सकती हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं इस केस को तो मैं अभी बंद कर ही रहा हूँ आप जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं डायरी आज से कॉलेज का आखिरी साल शुरू हुआ आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट इस साल पूजा हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाने वाली है उसका कहना है कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर सकती हूँ आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट पर मैं वेट कर रही हूँ टू लर्न अबाउट हर थियोरी ऑफ परफेक्ट क्राइम आज मैं और जूबी पूजा के घर डिनर पर गए थे फाइनली पूजा ने हमें परफेक्ट क्राइम के प्रोजेक्ट के बारे में बताया उसका कहना है कि अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना है तो यू शुड बी परफेक्ट इन द थियोरी ऑफ परफेक्ट क्राइम उसने हमें चैलेंज किया है कि अगर हमने अगले एक महीने में 4 अलग अलग क्राइम्स का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो वो हमें आगे के प्रोजेक्ट में गाइड करेगी वरना नहीं कैन वी डू इट यस वी कैन जूबी तैयार नहीं होगा पर मैं उसे मना लूंगी Finally, some excitement in life. Dear Diary, आज हमने पहला experiment successfully complete किया. It was so cool, और इतना difficult भी नहीं था जितना सोचा था. According to me, I did a great job. But Zubi की फट गई थी. But finally, मैंने उसे आगे चलने के लिए convince कर ही दिया. Man, I'm so excited. Dear Diary.
आज हमारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज खत्म हुआ. मी एंड जूबी आर अ परफेक्ट टीम. ऑल आवर फोर एक्सपेरिमेंट्स वर वेरी सक्सेसफुल. बट दिस वाज जस्ट अ ड्रेस रिहर्सल. हमने जिन भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया उन पर इस एक्सपेरिमेंट का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा. दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग. एनीवे नाउ दैट द फर्स्ट फेज इज ओवर देखे पूजा क्या कहती है. ओ माय गॉड, पूजा वाज सो हैप्पी विद आवर वर्क. शी सेड वी आर डूइंग बेटर देन शी एक्सपेक्टेड. आखिर उसने हमें परफेक्ट क्राइम का एडवांस कोर्स सिखाने को अग्री कर ही लिया. आई एम सो हैप्पी. दिन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता. गॉड, हाउ कैन पीपल लीव अ मंडेन मोनोटोनस लाइफ. आई लव दिस एक्साइटमेंट. आई लव माय लाइफ. मैं और जूबी वीकेंड के लिए बीच पर गए. एंड गेस व्हाट, आते वक्त वी एक्चुअली ब्रोक इनटू समवन्स बीच हाउस. बड़ा मजा आया. जब वो ओनर वहां जाएगा तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी. पूजा वॉज हैप्पी विद द हाउस ब्रेकिंग. पर उसका कहना है कि असली मजा तब आता है जब विक्टिम के सामने उसके नाक के नीचे से चीज निकाल सको. शी इज राइट. उसने अब हमें बड़े एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करने के लिए कहा है. गेट रेडी फॉर बिगर एक्शन. टुडे वॉज नॉट आवर डे. आज हम पकड़े जाते जाते बच गए. द बेस्ट थिंग वी डिड वॉज हमने सारा सामान वही फेंक दिया. वरना ये केस बहुत सीरियस हो सकता था. जूबी बहुत डर गया है. मैंने अब तक इतना डरा हुआ इंसान नहीं देखा. पता नहीं लोग इतना डरते क्यों हैं? पर उसका कहना है वो ये प्रोजेक्ट और आगे नहीं कर सकता. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पूजा, वी नीड हेल्प. क्यों, क्या हुआ जूबी? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. दिस होल थिंग इज वर्किंग ऑन अ साइकिक. वी आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ आवर ओन एक्शंस. बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आई एम टू स्केर्ड. ज़ूबी, तुम कितना चिंता करते हो. डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कुछ भी ठीक नहीं होगा. वी कुड हैव गॉट कॉट द अदर डे. ज़ूबी, तुम इतना डरो मत. इतना स्ट्रेस और टेंशन तुम पे अच्छा नहीं लगता है. तुम जैसे हैंडसम और यंग लड़के पे इतना टेंशन बिल्कुल नहीं जमता है. मैं दिखाती हूँ कैसे तुम्हारे सारे स्ट्रेसेस को आजाद करना है. पूजा. हाँ जूबी. मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है यार. आई थिंक इट्स गेटिंग टू मच. Even I think so. Let's finish it. So what do you think? How are we? Did we pass? I'm still deciding. But you know what? I have a gift for you. Oh, really? You'll have to come here and get it. Okay. Aankhein band. Sounds interesting. And down on your knees. Really? It's a special gift, Suki. Okay. Your eyes are closed, right? You failed, Suki. Only fools get caught.
and the best gift I could give you was a slow, peaceful death. La, la, la. नीवा आओ आओ, तू जैसे मिली He had already left. Sorry, बच्चा. अच्छा ये डायरी लाई हो, बस उधर सोफे पे रख दो हाँ और एक काम करना वो रॉड जो है ना सोफे पे उसे इधर ले आओ बस उधर रख दो ना बताओ जूबी कहाँ है अरे वो खाना लाने गया है अच्छा चलो मेरे साथ आओ ना तुमसे बहुत बातें करनी है चलो आज मैं भी तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पे आती हूँ आओ Thank you. नीवा, पता है नीवा, मैं तो हमेशा तुम्हें अपना मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझती थी इसलिए मैंने तुम्हें परफेक्ट क्राइम सिखाने का डिसीजन लिया था पर तुम तो कोर्स पूरा नहीं कर पाई पूजा इट वॉज गेटिंग टू मच And Zubi couldn't handle the pressure anymore. Zubi. Neva, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना? Choosing the right partner is the most important aspect of the perfect crime. और तुमने तो गलत चूज किया, हाँ? We tried our best, but it didn't work out. I'm so disappointed, Neva. मेरी सारी मेहनत बेकार गई है I'm sorry, Pooja. ये कितना बुरा हुआ अब नीवा तुम हमेशा कहती थी ना यहाँ पे तुम्हें परफेक्ट पीस और पावर दोनों एक साथ महसूस होता है आज मैं तुम्हें पीस के साथ अल्टीमेट पावर के हवाले करती हूँ ये कहानी कानून के लिए तो पूरी हो गई थी पर इस कहानी का असलियत मेरे लिए साइकोलॉजी का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जैसा साबित हुआ नीवा एंड जूबी will be my favorite students forever. Moods of crime.